हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एक बार जरा बता दिए आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं तो एक बार जरा जल्दी से बता दिए आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं ताकि आज की क्लास स्टार्ट करी जाए और आज शाम को छ बजे से आपका ठीक है पावर डोज आ रहा है ठीक है जिसमें आपको बेसिकली कि, किसी भी कोर्स पे सेवेंटी सॉरी महापैक्स पे सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा वाई सेवन नाइन फोर तो अगर आपको किसी भी कोर्स की क्लास चाहिए पी जी टी ठीक है आपका क्या बोलते हैं यूपी टेट सी टेट या फिर एच टेट अपकमिंग तो उस पर आपका फ्लैट सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर वन है जो ये पूछा जा रहा है कि रिकेट्स और ऑस्ट्रियो मलेशिया इस कॉज्ड बाय द डेफिशेंसी ऑफ ठीक है तो रिकेट्स एक बीमारी है जिसमें बेसिकली आपकी हड्डियां जो है वो मुड़ जाती है ठीक है और इसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं और ऑस्ट्रियो मलेशिया रिकेट्स जहां आपकी बच्चों में देखने को मिलती है वहीं ऑस्ट्रियो मलेशिया आपकी बड़ों में देखने को मिलती है इतना अंतर होता है ये एक चीज की कमी के इससे होते है कैल्सिफेरोल से फॉलिक एसिड से रेटिनोल से या फिर नियासिन से नमस्ते नमस्ते जय हिंद जय जै भारत जय हिंद जय जै भारत चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल विल बी बी ए द राइट आंसर कैल्सीफेरोल की कमी से होती है ए इसका सही जवाब है अगला क्वेश्चन आपका आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एडिबल रिच इन आयरन देखिए आयरन का एब्सॉर्बन आपकी बॉडी में लोहा का अवशोषण आपकी बॉडी में एक विटामिन करवाता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी नाइन या फिर फोलिक एसिड इसलिए आपकी जो ब्लड की टॉनिक आती है उस पर लिखा रहता है आयरन फोलेट यह बहुत जरूरी है आपकी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए और इनकी डेफिशिएंसी से आपका एनीमिया जैसा रोग हो सकता है तो आपकी कौन कौन से सेट वो है जो कि रिच है आयरन में आंवला ठीक है पालक गुड़ आंवला पालक आलू आंवला आलू टमाटर पत्ता गोभी भिंडी या गुड़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड अगेन ए विल द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज पल्स पोलियो प्रोग्राम ठीक है भारत में शुरुआत कब हुई थी इंवे बिरानवे चौरानवे या फिर पंचानवे गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग तो भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी नमस्ते नमस्ते चलिए तो भारत में पल्स पोलियो पोलियो एक वायरल डिजीज़ है विषाणु रोग है ठीक है इसके लिए आपका पोलियो के टीके दिए जाते हैं जो कि आपका साल्क और सेवन के ने द्वारा बनाए गए थे सबसे पहला टीका जो कि इंजेक्ट किया जाता था वो जॉन साल्क का था अब ओरली पिलाया जाता है वो चार्ल सेवन का है ठीक है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी कब 1995 में उन्नीस में ठीक है तो डी विलविदा राइट right आंसर किन प्लांट्स में किन पौधों में आपके प्रजनन अंग छिपे हुए होते हैं क्रिप्टोगैम में फेनेरोगैम में जिम्नोसप में या फिर एनजीओ में यूपीटेट कब होगा ऋतिका गुर्जर ठीक है जैसे ही तो आयोग तैयार हो जाएगा वैसे ही आपका यूपीटेट हो जाएगा ठीक है अभी गाइडलाइंस आई है कि आयोग के ये काम रहेंगे जल्दी ही सरकार ये भी क्लियर कर देगी कि कब तक आयोग बन जाएगा चलिए तो किन प्लांट्स में आपके प्रजनन अंग आपके छुपे हुए रहते हैं तो देखो क्रिप्ट का मतलब ही होता है क्या क्रिप्ट एक ग्रीक भाषा का वर्ड है हिडन छुपा हुआ और फेनर का मतलब होता है विजिबल दृश्य ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए विल बी द राइट आंसर क्रिप्टोगैम श्रेणी में तीन पौधों के वर्ग आते हैं ठीक है एक होता है आपका हेलोफाइटा एक होता है आपका ब्रायोफाइटा और एक होता है आपका टेरिडोफाइटा इन तीनों ही पौधों में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें हम प्लांट्स में फ्लावर बोलते हैं पुष्प बोलते हैं नहीं होते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर है ए क्रिप्टोगैम जबकि आपका फेनरोगेम के भीतर में तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होते हैं तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों आपके फेनरोगेमिस से ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन स्थिरीकरण ठीक है किया जाता है गुड आफ्टरनून सर कैसा है आपका पैर हड्डी ऐसे बाहर आई हुई है ठीक है जैसे कि ये सपोज करो ये पैर का टखना है यहां से हड्डी बाहर निकल ली वो विसेट नहीं हुई ठीक है तो इंडस्ट्रीज राइजोबियम लाइटनिंग या फिर ऑल ऑफ दी अवर तो बताए नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा दे चलिए तो आपका किया जाता है। हमारे पास कुछ मोलिक्यूल्स है जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं ठीक है बायोमोलिक्यूल्स मतलब जो लिविंग सिस्टम के अंदर अनुकाम करते हैं जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ सरकरा हुआ फैट्स हुआ प्रोटीन हुआ डीएनए हुआ आरएनए हुआ एर हुए थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाने को बोल रहे ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फैट्स बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अच्छा सामने अब ठीक है ब्राइटनेस ठीक है ठीक है ठीक है अब ठीक है ठीक है प्रोटीन बने होते हैं किसके कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर के डीएनए आरएनए बने होते किसके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ठीक है तो प्रोटीन में कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑल ऑफ दीस ठीक है तो डी all of these will be the right answer next thing is the life supporting zone of the earth is lithosphere hydrosphere atmosphere biosphere dekhiye ye aapka land hai ye aapka water hai और ये आपका air है ठीक है और ये पूरा का पूरा आपका क्या है Environment है इन्हीं से आपकी life supporting लेयर बन रही है और इस लाइफ सपोर्टिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं स्फीयर लाइफ को हम क्या बोलते बायो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन डी एडवर्ड सूज द्वारा यह शब्द दिया गया था नेक्स्ट थिंग इज इन इंडिया हाईएस्ट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड एट चेरापूंजी मोसन माउंट अबू या दार्जिलिंग भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है बरसोरी मेगा मेगा चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है मौसन राम ठीक है मेघालय में ठीक आपका सबसे ज्यादा बारिश होती है बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि बेसिकली आपका मृदा निर्माण में कार्य करते हैं ठीक है बैक्टीरिया मॉस लाइकन्स या फिर डी बी एंड सी तो बेसिकली ठीक है सॉइल की फॉर्मेशन में पीडोजेनेसिस में ठीक है सॉइल की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं पीडोजेनेसिस मृदा निर्माण ठीक है और सोयल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं पीडोलॉजी ठीक है तो कौन सी चीज काम करती दोनों जगह होती है मोसन राम को ही क्यों मौसन राम में बेटा सबसे ज्यादा होती है होती तो चेरापूंजी में भी है बट सबसे ज्यादा पूछा गया ना तो रेन को हम रिकॉर्ड करते हैं किससे रेनगॉज से और सबसे ज्यादा ने मेजर की है कि आपकी सबसे आ बारिश होती है कहां मोसन रान में तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी विल बी द राइट आंसर इस प्रश्न का उत्तर है क्या डी डी बोथ नेक्स्ट थिंग इज पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था एटी सिक्स नाइनटी फोर नाइन या 2019 तो पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था ठीक है चलिए तो पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था कब 1986 में ठीक है छियानवे में ठीक है फिर इसका अमेंडमेंट 2019 में आया नेक्स्ट थिंग इज इनमें से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है ए ई के तो कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है तो हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन ठीक है और इसको श्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड पराफू ग्रंथी पैराथॉर्मोन तो पैराथॉर्मोन एटी सिक्स नाइनटी सिक्स क्यों बोल रहे हो पैराथॉर्मोन का काम होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ ठीक है या फिर टू मेंटेन द लेवल ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम इन ब्लड सेम वैसे ही काम आपका करता है कौन वाइटमिन डी विच वन ऑफ दैम इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमिनस गैसोलीन पैराफीन वैक्स या फिर नन ऑफ दीस इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है सर बी 628 एस सी सिक्स टू एस एस टी में भी ई वी एस आएगा क्या आएगा क्यों नहीं आएगा ई वी एस के सोलह सवाल आए थे पिछले बार दोनों में पेपर वन में भी पेपर मतलब शिफ्ट वन में भी शिफ्ट टू में भी सोलह में से चौदह पढ़ाए हुए आए थे दो भी पढ़ा देता बट वो बेसिकली वो सवाल नेट वग़ैरह में एनवायरमेंटल नेट में पढ़ाए जाते यानी क्यों दे दिए चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है टाइप ऑफ कोल ठीक है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है दोनों नन ऑफ दीस हो नहीं सकता ए राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज किस पौधे को नीला शैतान के रूप से जानते हाइड्रेला जल जलकुंभी लिली या पार्थीनियम थायराइड में होने पर विटामिन डी रोल क्या है सर मतलब नन क्यों देते हैं तुम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने दिमाग में यह भर लिया है कि सर ने अगर नन लगाया हुआ है तो नन ही आंसर होगा ठीक है इसलिए कहावत आई थी जब दिमाग में भरा हो गू तो वॉट कैन आई डू है ना तो इसका मतलब यह होता है कि अगर ऑप्शन में नन हो तो कोई जरूरी नहीं है कि नन ही आंसर होगा चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है। वॉटर सेट टू बी एज द टेरर ऑफ बंगाल बंगाल का आतंक बोला जाता है और ये वाटर प्यूरिफायर भी है और आपका बेसिकली क्या बोलते हैं इसको पॉल्यूशन uh, भी कॉज करता है ये वॉटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है कौन सा मिनरल क्लॉटिंग में थक्का जमाने में कार्य करता है हाँ बेटा कविता दुष्यंत थायराइड होता है सर को तो विटामिन डी की कमी क्यों होती है ये किसने बोला तुमसे कि थायराइड होता है तो वाइटामिन डी की कमी क्यों होती है वाइटामिन डी इस धरती पे मौजूद सारे इंसानों के अंदर 96 परसेंट ह्यूमन्स के अंदर वाइटामिन डी कम होगा ही होगा क्योंकि सुबह की सनलाइट यूजुअली ज्यादा लोग लेते नहीं है और बहुत सारे थोड़ा बहुत वाइटामिन डी के अमाउंट जब मदर आपका ब्रेस्ट फीड कराती है तब बच्चे को पूरा होती है बट आज के टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग का कंसेप्ट हट गया है ठीक है चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है कैल्शियम विच इज आल्सो नोन एज द फैक्टर फोर्थ ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ठीक है तो देयर आर टोटल ऑफ थर्टीन फैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड टू गेट क्लॉट ठीक है जिसमें से आपका कैल्शियम को हम फैक्टर के नाम से भी जानते हैं ठीक है एच एस सी सी टीजी टी स्क्रीनिंग के लिए ईवीएस क्या प्लीज जी सफिशियंट है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल विल बी बी सी द राइट आंसर वाइडेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड ठीक है इस दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ कौन सा है देखो चौड़ा और लंबे में अंतर होता है दिस इज लंबा दिस इज लंबा एंड दिस इज चौड़ा ठीक है तो लॉन्ग और लार्ज में अंतर होता है चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी द ग्रेट बैनियन ऑफ इंडिया विच इज फाउंड इन ठीक है बॉटनिकल गार्डन कैलकटा ठीक है इज सेट टू बी एज द वाइडेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी विल बी द राइट आंसर ठीक है जो ए है रेडवुड ये लंबा है ठीक है चौड़ा आपका कौन सा है द ग्रेट बेनियन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी विल बी द राइट आंसर आ जाएगा नंदिता नेक्स्ट थिंग इज डीज इज ए डिजीज रिपोर्टेड इन ठीक है फुलिश डी डिजीज जिसको हम जापान में बकैन डिजीज बोलते थे ये आपका किस में रिपोर्ट किया गया था राइस में ठीक है वीट में मेज में या फिर बार्ले में तीन वैज्ञानिकों का काम है इसके ऊपर ठीक है जिसको हम बोलते याबूता सुमुकी और कुरोसावा तो वही तो पूछा है आज जाके चश्मा लगवा लो वही पूछा है चौड़ा पूछा है लंबा नहीं पूछा है चलिए तो बेसिकली बेकेने डिजीज इज रिपोर्टेड इन राइस एंड इट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ ए फंगस उस फंगस का नाम है जिब्रेला यूजी कोरोई और यहीं से आपकी डिस्कवरी हुई थी एक प्लांट हार्मोन की जिसका नाम था क्या जिब्रेलिन तो ए विल द राइट आंसर लार्जेस्ट पीक ऑफ इंडिया इस माउंट एवरेस्ट के टू अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। एस्टेट के फॉर्म निकल गए नहीं अभी नहीं एकम जाट अभी नहीं इस रोग में क्या हो जाता है सर अस सपोज तुम्हारा चावल का पेड़ है सपोज करो ये चावल की बालियां हैं है ना और ये ऐसी दिखने लग जाए किसी दिन मतलब नॉर्मली चावल इतना बड़ा होता है किसी दिन चावल ऐसा इतना बड़ा हो जाए तो इसी को बोलते हैं बकाने रोग पागल बनाया रोग आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी के टू विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट सेंगे इनमें से कौन सा मृतोपजीवी जीव है लाइकंस वायरस मशरूम या फिर वल्चर इनमें से कौन सा मृतोपजीवी ऑर्गेनिज्म है जीवधारी है चलिए वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मशरूम मशरूम मृतोपजीव है मरी सड़ी चीजों पर उगती है खेजड़ी के पेड़ को कैसा क्लाइमेट चाहिए होगा हॉट एंड ह्यूमिड कूल एंड ड्राई मॉडरेट कंडीशन या हॉट एंड ड्राई ठीक है तो खेजड़ी के पेड़ को कैसा क्लाइमेट कैसी जलवायु चाहिए होगा ठीक है वाटर टेबल इंडिकेटर एक मात्र ऐसा प्लांट जो कि ग्राउंड लेवल से वाटर लेता है ठीक है और रेगिस्तान में उगता है तो रेगिस्तान में क्लाइमेट कैसा होता है हॉट एंड ड्राई ये ही इसका सही आंसर है डी विल बी द राइट आंसर रामसर लेक इज लोकेटेड इन इराक ईरान इंडिया पाकिस्तान तो रामसर जो है एक लेक है जो कि आपकी कहां स्थित है महरू राजस्थान की महारौ राजस्थान ठीक है तो रामसर कहा है तो हर दो फरवरी को मनाते हैं हम क्या वेटलैंड डे जो कि आपका किससे संबंधित है रामसर कन्वेंशन से तो सबसे पहला कन्वेंशन हुआ था 1971 में टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स और यह आपका कहां है बी ईरान में चलिए नेक्स्टिंग निम्नलिखित में से किस तत्व को पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है फास्फोरस मैग्नीशियम कैल्शियम या फिर जिंक <laughs> जैन जय जै भारत जी तो किस पोषक तत्व को पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है ठीक है तो देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम ठीक है ये पांच तो बायोमोलिक्यूल में है ही सल्फर आपका प्रोटीन में लगता है कैल्शियम मैग्नीशियम आपका काय में लगता है वॉल की फॉर्मेशन में लगता है तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ ये आठ आपके कैसे हो गए मैक्रो ठीक है बाकी का आपका जो बचेगा ठीक है वो आपका हो जाएगा कौन सा दैट इज माइक्रो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज मरकरी सल्फाइड का दूसरा सामान्य नाम क्या है मलकरी सल्फाइड जिसको हम सिनाबार के नाम से भी जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या है नाइन माइक्रो एट माइक्रो वेरी गुड टोटल ऑफ सेवेंटीन न्यूट्रिएंट। तो मरकरी सल्फाइड का ठीक है कॉमन नेम क्या है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू ठीक है तो डी विल बी द राइट आंसर नींबू के रस का पीएच मान्य कितना होता है 3.8 5.5 6.6 या फिर 2.5 तो आपका जो नींबू है ठीक है लेमन इसका पीएच कितना होता है वॉट इज पीएच ऑफ लेमन तो नींबू के रस का पीएच कितना होता है चलिए तो दो से तीन के बीच में होता है लेमन का पीएच ठीक है तो दो से तीन के बीच में देखो दो से तीन के बीच की वैल्यू क्या है डी ढाई डी विल द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज विद्युत धारा का पता लगाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है गैलवेनोमीटर का ट्यूब परीक्षक का अल्टीमीटर का या फेदोमीटर का ठीक है तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है चलिए तो विद्युत धारा किससे पता लगाते हैं हम गैल्वेनोमीटर से वैक्यूम ट्यूब डिटेक्शन हम ट्यूब टेस्टर से करते हैं अल्टीमीटर से ऊंचाई नापते पेदोमीटर से गहराई नापते समुन्दर की नेक्स्ट किस देश ने उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है भारत रूस यूएसए या फिर चीन ठीक है तो आर्टिका एम आर्टिका एम लॉन्च किया है किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है भारत रूस यूएसए या चीन द्वारा <स्थाँगा> तो किस देश द्वारा ये क्या सर आपने बी छोटी क्यों करवा ली करवानी पड़ती बेटा बाप के आगे किसी की नहीं चलती

जर्क लगता है ये कौन सा न्यूटन का लॉ है फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ या फिर न्यूटन का कोई भी नियम नहीं है चलिए, तो वेरी गुड इसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ इनर्शिया इज सेट टू वे न्यूटन फर्स्ट लॉ ए विल बी राइट आंसर खबरों में रहे नियोकोप की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में हुई थी बंदर चमगादड़ उल्लू या रोडेंट ठीक है तो न्यूकोव ठीक है एक वायरस है ठीक है न्यू कोरोना वायरस नियोकोव किसके अंदर देखा गया था थर्ड लॉ थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है तुम तो मगर किसी को कूटोगी दम से उतनी दम से तुम्हारे में कुटाई पड़ेगी ऐसा नहीं तुम तो मगर किसी को कूटोगी दम से जितनी दम से तुमने कूटा है उतना इफेक्ट इस हाथ को भी झेलना पड़ेगा ठीक है तो कूटने से पहले सौ सो बार सोचना कि जितनी दम से मारोगे उतनी दम से इस हाथ में बैक इफेक्ट आएगा और वो बैक इफेक्ट हो सकता है तुम्हारे हाथ की बहुत सारे टिश्यू डैमेज कर दे तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल विल बी बी राइट आंसर बैट्स ठीक है नेक्स्ट थिंग इज बी ए हाँ बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज कौन से देश ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक का, का मेजबान किया था जापान चीन रूस यूएसए है, तो बेसिकली 2012 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो बीजिंग रूस में सॉरी बीजिंग चाइना में हुआ था बी द राइट आंसर प्रमोद चंद्र मोदी किस संगठन के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष है नहीं अब तो थे अध्यक्ष थे 2021 में हट तो गए तो राज्यसभा मेंबर है तो प्रमोद चंद्र मोदी किस संगठन के अध्यक्ष थे सेबी सीबी ICCBDT या फिर सी नहीं सॉरी आई आर डी ए आई मूवी में जो कुटाई लगती है वो रियल थोड़ी होती है बेटा चलिए तो प्रमोद चंद्र मोदी किसके संगठन थे ठीक है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के अध्यक्ष थे 2021 तक अध्यक्ष थे सबसे बड़ी अध्यक्षता रही थी इनकी सीबीडीटी में और 2021 के बाद इन्हें राज्यसभा में सीट दे दी गई किस किस देश ने आग टिका ये तो हो चुका रूस इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके ठीक है वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए ठीक है अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी करी है ठीक है तो हमारा जो बेसिकली सफर है ठीक है ये वो वाला सफर नहीं है जिंदगी एक सफर है सोना ठीक है ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने वाला प्रोग्राम है ठीक है तो बेसिकली जो आपका सफर है वो आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करता है तो वो किस देश के साथ हमारा क्या हुआ है टाइप हुआ है इस एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एस्टेट का पेपर कब तक होगा मित्रों मित्रों आत्मानंद पांडे ठीक है मित्रो उसका नोटिफिकेशन हर साल अक्टूबर के आसपास आता है पेपर वही हर साल नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है जक्सा के साथ किया है जापान के साथ किया बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज डेथ वैली किस रेगिस्तान में स्थित है ठीक है डेजर्ट, कोलराडो डेजर्ट, या तकला मकान रेगिस्तान तो डेथ वैली इज लोकेटेड इन डेथ वैली इज ऑल्सो ऑल्सो सेट टू बी एज दॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सबसे गर्म रेगिस्तान बोला जाता है बताइए तो डेथ वैली आपका कौन से डेजर्ट में स्थित है तो डेथ वैली इज लोकेटेड इन विच डेजर्ट चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है तो डेथ वैली आपका कैलिफोर्निया में खुद एक डेजर्ट है जो कि सबसे गर्म बोला जाता है और ये आपका किसका पार्ट है मुजेब डेजर्ट का ठीक है तो ए विल बी द राइट right आंसर नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा नहीं है यूरोपा गैनीमेड फोबोस या फिर कैलिस्तो तो आप सभी को पता है ठीक है देयर आर गैलिलियन टेलीस्कोप से खोजे गए आपके कुछ उपग्रह टोटल नंबर ऑफ ये जो उपग्रह जो गैलीलियो से टेलीस्कोप से खोजे गए थे ये टोटल नंबर कितने हैं चार ठीक है तो इनमें से कोई एक नहीं है कौन सा नहीं है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी विल बी द राइट आंसर चार कौन कौन से हैं ठीक है कैलिस्तो आपका गैनीमेड आपका यूरोपा और चौथा है आपका आईओ तो ये चारों आपके गैलिलियन सैटेलाइट्स बोले जाते हैं जो कि गैलीलियन टेलीस्कोप से खोजे गए ये चारों ही जुपिटर के सैटेलाइट है फोबोस और डेमियोस ये दोनों आपके मार्स के सैटेलाइट है चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी नेक्स्ट थिंग इज राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहां स्थित है नई दिल्ली जयपुर हिसार भोपाल आईओ बोले तो आईओ उसका नाम ही रखा है आईओ चलिए तो वेरी गुड कहाँ स्थित है आपका जयपुर में स्थित है बी विल बी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर नाइन एट में ठीक है जो आपके यहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई थी जिसको हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन ठीक है बोलते हैं ये स्थापना किसने करी थी इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सीरीज भी बनी गई है ठीक है याद नहीं है किस पे है बट बहुत अच्छी सीरीज है रॉकेट बॉयस चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ठीक है डी विल बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट थिंग इज 630 ईसवी ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था पुल किशन सेकेंड ने महेंद्रवर्धम फर्स्ट ने आई नहीं है फर्स्ट पुल किशन फर्स्ट ने या कीर्ति वर्मन फर्स्ट ने तो नर्मदा नदी के किनारे ठीक है आपकी जो हर्षवर्धन को किस राजा ने द्वारा हराया गया तो एक आध क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से भी देखने को मिल जाता है एच ट्रेट में भी और यूपी टेट में भी चलिए तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन सेकेंड नेक्स्ट थिंग इज वह वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती कहलाती है अपारदर्शी पारभाषी पारदर्शी या उत्तल ओपेक ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट या कॉन्वेक्स तो जिसमें से प्रकाश किरण नहीं गुजर पाती वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन में मूव करना चाहूंगा आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ओपेक ए विल बी द राइट आंसर ठीक है विले के घुलने की दर निर्भर करती है दबाव पे तापमान पे सतही क्षेत्र पे या फिर वजन पे ठीक है तो विले के घुलने की दर किस पे निर्देशित करती है मैराथन मैराथन पता नहीं मेरे को तो दिया गया तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी देखिए विले के घुलने की दर ठीक है ऐसा समझो जैसे कि पानी है पानी के अंदर ये गुड़ का ढेला है ये गुड़ का ढेला है कौन सा जल्दी घुलेगा सिंपल सा ऐसा समझो पानी है ये पानी की वो है बकेट है इसके अंदर एक ये गुड़ का ढेला है एक ये गुड़ का ढेला है कौन सा जल्दी घुलेगा नहीं बेटा नहीं उमा शुक्ला नहीं आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो अलग से कुछ नहीं मिलता चलो वेरी गुड छोटा वाला डिजोल्व होगा मतलब सतह क्षेत्र पे तो डिपेंड करती है अब मैंने ये छोटा वाला डाल दिया ठीक है बट नीचे से मैंने आग लगा दी तो आग लगा दी तो जल्दी घुलेगा कि लेट घुलेगा तो याद रखना आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी टेम्परेचर पे पहली प्रायोरिटी रहेगी दोनों पे ही करता है टेम्परेचर पे भी करता है सरफेस एरिया पे भी करता है बट मेन क्राइटेरिया आपका रहता है क्या टेम्परेचर ठीक है तो ए विल बी द राइट एंसर सॉरी बी विल बी द राइट आंसर जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उतनी जल्दी आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है चावल से पत्थरों को अलग करने के लिए पृथक्करण की किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए हाथ से चुनना थ्रेशिंग विनोइंग या फिर उपरोक्त सभी <laughs> नालायक तब का छुट्टी खराब करते हैं संडे अपना एक मैम भी ना <laughs> दुष्ट नालायक सरफेस एरिया पड़ा था एक जगह दोनों है दोनों है बट प्रायोरिटी किसकी रहेगी टेम्परेचर की जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सोलबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर आइनिक फोर्सेस होंगे वो ब्रेक होने लगेगा टेम्परेचर की वजह से तो चीजें दूर दूर भागने लगेगी तो सोलबिलिटी बढ़ जाएगी चलिए तो वेरी गुड आप क्या करोगे हैंड पिक करोगे ए विल बी द राइट आंसर ए इसका सही जवाब है नेक्स्ट थिंग इज दूध से मक्खन को अलग किया जाता है अपसादन द्वारा निष्पंदन द्वारा चरनिंग द्वारा या निस्तारण द्वारा झारखंड सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है बैच स्टार्ट करवाई खुशबू यादव मैं केवल मैसेज कन्वे कर सकता हूँ प्रॉमिस नहीं कर सकता कि बैच स्टार्ट कर देंगे ठीक है बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं बैच को स्टार्ट करने के लिए वो मेरे हाथ में नहीं होता वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है चलिए तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में भारत का वनावरण है 21.7 परसेंट 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 वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है इंडोनेशिया श्रीलंका म्यांमार या मालदीव अरे नहीं थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री है परसेंट पढ़ाई में ध्यान होगा तब तो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट होगा है ना पढ़ाई में ध्यान है नहीं तो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री लगाओ चलिए वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी देखिए सिंपल सा लॉजिक है ठीक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है म्यांमार आपका अरुणाचल वगैरह इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है वो ऊपर की तरफ है ये नहीं होगा मालदीव है नहीं बचा कौन सा इंडोनेशिया ए विल बी द राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर ठीक है तो इट इज क्लोजेस्ट टू इंडोनेशिया ठीक है ये रहा आपका इंडोनेशिया ये आपका, ये रहा आपका इंडोनेशिया चलो नेक्स्ट थिंग इज भारत के किस राज्य का लो अयस्क उत्पादन सबसे ज्यादा है झारखंड कर्नाटक ओडिशा, छत्तीसगढ़ सर क्वेश्चन में कभी फोन और फ्रेंड भी तो डालिए श्रीलंका भी तो नीचे है।, है, 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 है मेरी काकी ये देख कहां गया जेरा भारत श्रीलंका जे, जे नहीं पूछा कि कौन सी क्लोजेस्ट वाटर बाउंड्री है जे पूछा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है येरा इंडोनेशिया ठीक है जे पूछा है चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी लॉ अयस्क के उत्पादन में कौन नंबर वन है तो विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी जब आप सीटेड पढ़ रहे थे तब भी बताया था जब भी आपसे एल्यूमिनियम और आयरन पूछा जाए आपको एकमात्र आंसर जो याद रखना है वो याद रखना है कौन सा ओडिशा सी द राइट आंसर नेक्स्ट थ्रेशिंग का कार्य किया जाता है पीट कर जानवरों द्वारा मशीनों से या फिर उपयुक्त सभी झारखंड छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया सर झारखंड होगा ना वही तो हम कह रहे हैं जब पढ़ाई में ध्यान हो तब तो झारखंड होगा लगे रहे हिम्मत मत हार ज्ञान बांटने से पहले ज्ञान ले भी लेना चाहिए है ना तो पढ़ाई में ध्यान नहीं है किसी दिन तुम्हारा सूट पे ध्यान रहता है किसी दिन किसी और पे ध्यान रहता है एक तैतीस पॉइंट तीन तीन परसेंट पढ़ाती है उनका भी ध्यान नहीं है चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सभी से आपका ठीक है यह किया जाता है तो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज पेट्रोलियम में शामिल है पेट्रोल मिथेनॉल तेल पानी तो बताइए पेट्रोल के अंदर क्या शामिल है तो वेरी गुड पेट्रोल के अंदर क्या पेट्रोलियम के अंदर क्या शामिल होगा पेट्रोल शामिल होगा कौन लगा रहा है मीथेनोल पेट्रोल में दारू कौन मिला रहा है, है? नेक्स्ट थिंग इज वांछनीय और अवांछनीय घटकों के आकार और रंग में अंतर होने पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे हाथ से चुनेंगे थ्रेशिंग करेंगे ठीक है फिल्ट्रेशन करेंगे या फिर निस्तारण करेंगे निस्तारण विच ऑफ द मैथड इज यूज वेन देयर इज अ डिफरेंस इन साइज एंड कलर ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट ओके बेटा हलचल ऑयल भी होते ऑयल <laughs> क्या होते हैं ऑयल बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं ठीक है नॉर्मली तुम हर लिक्विड जैसी दिखने वाली चीज को ऑयल बोल देते हो बट हर चीज ऑयल नहीं होती वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो तुम पेट्रोल वगैरह की बात कर रहे हो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है अगर आपके सामने कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस है जैसे कि फॉर अ काइंड ऑफ एग्जांपल चावल है चावल में तुमने देखा होगा छोटे-छोटे कीड़े बुरे-बुरे से रंगरे रहे होते ठीक है अगर दुकान से लाया गया चावल है अगर पैकेट वाला है तो उसमें नहीं रंगरे होते ठीक है बट दुकान वाले चावल में ऐसे मतलब उस चावल के बीच में आज बोतल खल्लेंद दारू सारू डल्लेंद तो तुम क्या करते हो ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है दैट इज हैंड हैंडपिकिंग ए डी बोथ ए एंड डी बोथ आर यू श्योर अबाउट इट नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सब सर्वाधिक है राजस्थान अरुणाचल प्रदेश असम या फिर मध्य प्रदेश कनौजिया बोल रही है दारू पीने के बाद वो भी अंदर हो जाते हैं इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस है ना रोज शाम को चलता होगा लिटिल लिटिल चलिए तो दन मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क जब नेशनल पार्क की बात करें तब आपका नंबर वन कौन है एमपी और जब सेंचुरीज की बात करें अभारण्य की बात करें तब आपका नंबर वन कौन है महाराष्ट्र ठीक है तो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट शोपेन जनजाति निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है महाराष्ट्र बताया आपने मेरा तो दोनों चीजों पे ध्यान है उमा शुक्ला तो दोनों चीज में नेशनल पार्क अलग चीज होती है और सेंचुरीज अलग चीज होती है तो एक बार जो बताए थे वो नेशनल पार्क के लिए बताए थे और कल परसों ही बताए थे चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी निकोबार आइलैंड में आपकी देखने को मिलती है शोमपेन वैरायटी जल उपचार संयंत्रों में नदी के पानी का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है फिल्टर पेपर सवा छे छह मुश्किल है अभी तो फोर्टी सिक्स कितने बजे तो तो ठीक है तो जल उपचार संयंत्रों में नदी के पानी का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है फिल्टर पेपर चीनी मिट्टी के फिल्टर कपड़ा फिल्टर या फिर रेत फिल्टर चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सैंड फिल्टर आर यूज ठीक है डी विल बी द राइट right आंसर लक्षद्वीप समूह स्थित है हिंद महासागर में अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में या फिर इनमें से कहीं पे भी नहीं क्या बोल रहे हो आप सर अरे बात कर रहा था वो स्टूडियो चाहिए यहाँ पे और किसी चीज की एनालिसिस है ऑलरेडी बुक्ड था ठीक है संडे रहता है ना तो एक साइड ऑफ रहता है एक साइड में क्लासेस चल रही होती है। चलिए तो कहाँ है आपका वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी अरब सागर की तरफ है ठीक है यहाँ ये गुजरात के नीचे इस साइड में कहीं पे आपका लक्षद्वीप पड़ता है ठीक है तो बी विल वी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र असम बिहार चलिए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है असम awesome. नंबर वन पे सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला जो आपका स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बाउंड्री आपका शेयर करता है कौन असम awesome, ठीक है तो असम विल भी द राइट आंसर सी विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज अब एक बोलेगी आप तो एमपी बताए थे किसको मामा की नगरी क्यों बोलते हाँ यूपी है फर्स्ट पे चलो झारखंड किसके साथ सीमा साझा नहीं करता पश्चिम बंगाल ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड तो के इसके साथ सीमा साझा नहीं करता एमपी को मामा की नगरी बोलते पता नहीं आज तक नहीं सुना मैंने मामा की नगरी हाँ लैंड ऑफ म्यूजिक जरूर बोलते तानसेन की वजह से चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज पांडव भोटिया छोलिया कहां के प्रसिद्ध नृत्य ठीक है, है। जिसमें से छोलिया एक प्रकार का तलवार नृत्य होता मार्शल है, है। मार्शल आर्ट का फॉर्म है ठीक है सिक्किम का ऊपर नहीं उत्तर प्रदेश, ठीक है झारखंड का या फिर उत्तराखंड का आपके मामा का घर तो है एमपी, पी तो मामा का घर होने से मामा की सट्टी हो जाएगी तानसेन तो तंबाकू होता है ये देखो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस जब फ्री बैठे हो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो पढ़ाई ना कर रहे हो तो ऐसा लिया चूना लगा रगड़ के तंबाकू जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो ट्रेंड याद करा दे अड़तालीस में चेक करे कोई बात नहीं बेटा रूट से ध्यान हट जाए तो असम की पहले बाउंड्री देख लेना फिर आंसर करना ठीक है गुरु जी आप क्या खा के पैदा हुए थे खाया तो मम्मी ने होगा मैंने थोड़ी खाया था पागल लड़की घर वालों ने क्या खाया था जो पैरा कर दिया ऐसे नमूना ये पूछा करो कुछ तो खाया होगा एक बार मैंने पास पास खाया तो मेरी मम्मी ने चप्पल मारी थी मेरे बैग में पैकेट देख के क्या बात है चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी उत्तराखंड डी विल बी राइट आंसर याद रखना बहुत फेमस नट है ये इसको हम शॉर्ट डांस भी बोलते हैं शॉर्ट डांस तलवार नट भी कहते हैं तलवार चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी नेक्स्ट थिंग इज डैश में मौजूद पानी जलवाष्प के रूप में आ, होता है मिट्टी में नमी में वायु में या फिर सूखे में सर सिक्कि्कि्कि्कि्किम अरे बेटा कह तो रहे सूट से पहले ध्यान हटे तो सिक्किम तो याद आए ना अभी दिमाग में सूट है यस बेटा लगे रहे हिम्मत मत हार ये दिमाग में चल रहा है तो कहाँ से असा में आंसर पहले नंबर पर यूपी है दूसरे पैसे में <laughs> चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वॉटर प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर पेपर ठीक है हवा में आपकी जो जलवाष्प है वो आपकी एयर के वायु के रूप में रहती है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी विल बी द राइट आंसर ठीक है कौन सा जल निकाय ठीक है अंडमान को निकोबार से अलग करता है फिफ्टी का एक बताया अच्छा एक बात बताओ मेरे को उमा शुक्ला थोड़ा सा लॉजिक लगाना वाटर प्रेजेंट इन दॉयल सॉइल में वाटर वेपर के रूप में रहता है पानी सॉइल में कौन सा वाटर होता है या तो कैपिलरी वाटर होगा या हाइग्रोस्कोपिक होगा या फिर कंबाइंड वाटर होगा या फिर आपका कौन सा कॉन्टैक्ट वाटर होगा ठीक है या फिर ग्रेविटेशनल वाटर होगा या फिर ग्राउंड वाटर होगा या फिर <coughs> <coughs> इन्हीं को तुम जोग्राफी में काराड और ओलाड बोलते हो ठीक है तो वाटर पेपर तो कहीं नहीं आता है सोइल में थोड़ा सा बुद्धि यूज कर लो फिप्टी बोला अरे ओ, वो भूटिया ट्राइब के बारे में बोल भोटिया और भोटिया भूटिया नृत्य जनजाति सिक्किम उत्तराखंड ठीक है उमा शुक्ला भोटिया भूटिया भूटिया भोटिया एक में औ की मात्रा एक में बड़े ऊ की मात्रा चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए डिग्री नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ठीक है नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी आर्गन इज एन इनर्ट गैस अक्रिय गैस है ठीक है डी विल बी द राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है चीन कनाडा अमेरिका रूस ठीक है तो आप सबको ट्रिक तो पता ही है रकूक बाई ठीक है तो चीन कनाडा अमेरिका रूस ठीक है तो रकूक वाइज एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर मेरी सूट की बेइज्जती जा रही है फेंक देने फेंक दे मेरा क्या जा रहा है तेरा ही जाएगा तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है ग्रीनलैंड आइलैंड ठीक है सॉरी आइसलैंड गोभी या फिर लद्दाख तो सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है तो सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है दैट इज ग्रीनलैंड ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित वैसे किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वॉन लेक मृत सागर बालकश झील या फिर बैकाल झील तो कहां पे सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है कौन सी ऐसी झील है देखिए, जब बात करें सेलिनिटी की और वाटर बॉडीज की बात करें तो रैंकिंग में सबसे पहले पे वाटर बॉडीज मतलब जल निकाय रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे आती है एक पौंड दूसरे नंबर पे आती है एक लेक और तीसरे नंबर पे आती है सी सी में कौन सा सी है डेड सी सबसे ज्यादा लवड़ियाँ सारे सागरों में लेक में कौन सा लवड़ी है वॉल लेक सबसे ज्यादा लवड़ी है सारी लेक्स में पॉन्ड में सबसे ज्यादा लवड़ी है ठीक है पोंड गेटेल ठीक है और इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़ी है पौंड क्योंकि पौंड का साइज कंपेरिजन टू ऑल अदर छोटा होता है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए वॉन लेक गोभी है ना ठंडा एशिया का जी तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए नेक्स्ट थिंग इज लाल रक्त कोशिकाओं में कमी होती है नाभिकों की रंग रंग की रंजक की या फिर पानी की मात्रा की तो रेड ब्लड सेल्स में काय की कमी होगी न्यूक्लियस की कमी होगी दो तरह के की रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलती है एक ऐसी न्यूक्लिएटेड केंद्रिकाए और एक ऐसी ई न्यूक्लिएटेड अकेद्रिकाए ठीक है इनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं तो ये वाली कोशिकाएं कहलाती है और ये वाली कणिकाएं कहलाती है कणिका मिलती है आपकी मैमल्स में ठीक है यह मिलती है आपकी वर्टिब्रेट्स में मतलब वर्टिब्रेट्स कशेरू की एक्सेप्ट मैमल्स मैमल्स को छोड़ के बट दो मैमल्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कैमल और लामा जिनमें आपकी ये वाली देखने को मिलती है ये वाली नहीं मिलती वो मैमल्स के एक्सेप्शन है ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए नेक्स्ट थिंग इज किस फसल को ऊंट की फसल भी कहा जाता है मक्का ठीक है कीट ज्वार या फिर माजरा विकुना में होता होगा बिल्कुल होता होगा तो ऊंट की फसल किसे बोलते हैं दैट इज ज्वार को बिकॉज़ इट रिक्वायर्ड लेस वाटर कंपैरिजन टू अदर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कीटनाशक का उदाहरण है डीडीटी हैप्टाक्लोर क्लोरेडेन या फिर रोटेनोन <laughs> तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पेस्टिसाइड सी चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी रोटेन ऑन इज द एग्जाम्पल ऑफ ठीक है आपका नेचुरल इंसेक्टिसाइड नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग शाकनाशी के रूप में किया जाता है ऑक्सिन साइटोकाइनिन टू फोर डी या फिर एप्सिस अम्ल तो किस हार्मोन का उपयोग शाकनाशी के रूप में किया जाता है देखिए हरियाणा साइड में आपकी खेती वेती ज्यादा होती है ठीक है तो वहां पे थोड़ा प्लांट्स रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड करते हैं तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी टू फोर डी सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक नहीं है ठीक है बी एच सी टी या एफेड्रिन तो विच वन ऑफ देम फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टिसाइड चलिए वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी विल बी द राइट आंसर इफेडरिन इज नॉट अ पेस्टिसाइड इफेडरिन एक ड्रग है जो कि बेसिकली मिथाइल ऑरेंज क्या है मिथाइल ऑरेंज अलग चीज़ है एजेंट ऑरेंज अलग चीज़ है दोनों अलग अलग, अलग चीज़ है मिथाइल ऑरेंज तुम्हारा स्टेनिंग में यूज़ होता है एजेंट ऑरेंज टू फोर डी और टू फोर फाइव टी का मिक्सचर है तो एफड्रीन एक ड्रग है जो कि बेसिकली ज़्यादातर आपकी जो वेट लॉस की पिल्स आती है उसमें आपकी बॉडी की थर्मोजेनिक साइकिल्स को बढ़ाने के लिए हीट प्रोड्यूसिंग साइकिल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है जिससे जल्दी आपकी बॉडी वेट लॉस करे ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज और वेट लॉस नहीं होता इट इज फैट लॉस ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है सोना लिखा कल्याण सोना सोना दो सौ सत्ताईस राजा मुड़ी एजेंट ऑरेंज एजेंट ऑरेंज बेटा टू फोर डी और टू फोर फाइव टी का मिक्सचर है वो तो वर्ल्ड वॉर में नहीं यूज हुआ था वियतनाम वॉर में यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर और वियतनाम वॉर अलग है तो बताए कि निम्नलिखित में से ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ वीट वेरी गुड ठीक है तो सोनाली का भी है कल्याण सोना भी है सोना दो सौ सत्ताइस भी है राजामुढ़ी राजामुढ़ी इज अ वेराइटी ऑफ रेड राइस लाल चावल की एक किस्म होती है ठीक है मलेरिया किसके कारण होता है एंटेमिवा हिस्टोलिटिका लीशमैनिया, डोनोवेनी क्लोस्ट्रेडियम टेटनस या प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स या फिर फालसी मलेरिया किस प्रकार होता है बार तेरह क्वेश्चन और है वो और कर लो कराने तो सौ थे बट स्टूडियो चाहिए इन लोगों को तेरह कह रहा हूं बारह इसके बाद कैसे यूज किया था पॉइंट ये था कुछ नहीं ऊपर से बैरल जो थे मिथाइल ऑरेंज तो मिथाइल ऑरेंज चलो एजेंट ऑरेंज के वो एज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड स्प्रेयर के और फॉर्म में प्लेन से छोड़े गए थे तो प्लेन से जब छोड़े गए थे स्प्रे के फॉर्म में ठीक है तो आपका जो लीफ वगैरह थी वो डिफोलिएट हो गई थी गिरना चालू हो गई थी तो जो गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे वॉरफेयर में क्या होता था जो वियतनामी सोल्जर थे वो एकदम से वॉर करते थे वो घने जंगलों में और छुप जाते थे क्योंकि वो जंगल के बारे में ज्यादा जानते थे तो सारी लीव का क्या होने लगा डिफोलिएशन होने लगा आराम से देखने लगे अब कहाँ कहां का छुपे फिर यूएस आर्मी ने द गोली द गोली द गोली सबको सोल्टा करवाया चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मलेरिया किसके कारण होता है प्लाज्मोडियम डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज रोगानु प्लाज्मोडियम की खोज किसके द्वारा की गई सर रोनाल्ड रॉड गोल्गी चार्ल्स अल्फोंसो लेवरन या पैट्रिक मेंस चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चार्ल्स ने की गई थी प्लाज्मोडियम की खोज नेक्स्ट सिंग इज निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी अफ्रीकी नींद की बीमारी या गैम्बियंस बुखार के लिए जिम्मेदार है लीशमेनिया ट्रेपेनोसोमा एंटमीवा ट्राइकोमोनास रोस नहीं बेटा रॉस ने मच्छर की खोज करी थी मच्छर मलेरिया फैलाता है ये खोज की थी प्लाज्मोडियम की खोज नहीं करी थी तीन साल तक रिपोर्ट ना हो तब उस डिजीज को इरेडिकेटेड माना जाता है चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है बी बी विल द राइट आंसर और जो मक्खी से कॉस करती है उसको हम बोलते हैं सी सी प्लाय या फिर ग्लोसीना पैपिलिस ग्लोसीना पैपिलिस चलो Next thing is... अच्छा same ही आ गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोसिना पेपलेस एक वेक्टर है फाइलेरिया का प्लेग का डेंगू का या फिर गैम्बियंस बुखार का <laughs> अब कौन आ गया क्लास में अरे दूसरे का स्टूडियो बुक है ना तो बार बार मैं उंगल कर रहा होगा कि सर से पूछो कब क्लास छोड़ेंगे चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज ठीक है ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है मतलब ऑस्ट्रेलिया सातों महाद्वीप में सबसे स्मॉलेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के पहले ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बड़ा कौन सा है कहने का मतलब यह अंटार्कटिका दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप रिप्लाई तो कर दीजिए सर क्या हो गया रूबी हसन मैंने क्वेश्चन नहीं देखा गैम्बियन फीवर क्या होता है एक बुखार होता है जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते एक स्पीशीज है पैरासाइट है अलग अलग ठीक है यह आपका स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी करवाते एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक यूरोपियन स्लीपिंग सिकनेस है एक, सिकने से, एक, सिकने से, एक आपकी छगास डिजीज है ठीक है तो यह बीमारी कौस करवाते है, जिसमें आप सोते रहते हो इन हाई फीवर ठीक है हाँ फर्स्ट रिपोर्टेड इन गैबियर पीपल सर मुझे सीटेड पेपर टू एस का बैच चाहिए था निको भाई ब्लॉक्स नंबर वन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है स्टार्ट हो तब बेसिकली एनरोल करवा लेना माइट बी पॉसिबल अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा सर बता दीजिए सेपरेट वेज का सनी सर का सिक्स टू एट का एस एस टी हाँ रूबी हसन बताया ना कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आ, आपका अक्टूबर माइस भी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक स्टार्ट हो जाएगा तब आप एनरोल करा लीजिएगा आजा भाई नादान परिंदे कौन रो करोप डी विल बी द राइट आंसर इज कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली इसलिए कहा जाता है यह पृथ्वी पर अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र है यह पृथ्वी पर अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है बड़ी संख्या में ज्वालामुखियों का अस्तित्व तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी यह दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है ठीक है इट इज हॉटेस्ट प्लेनेट तो आंसर हॉटेस्ट कह रहा डेजर्ट सी विल बी द राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कुल रेशम वस्त्रों का उत्पादन का पचास प्रतिशत उत्पादन करता है कर्नाटक पश्चिम बंगाल जम्मू कश्मीर असम सर इतने पैसे नहीं है बैच लेने के लिए सनीसर का सेपरेट बैच करवा दीजिए एसएसटी का हाँ रूबी हसन वही बात चलेगी ना वो शायद माइट बी पॉसिबल अलग से सेपरेट बैच आ जाए तो थोड़ा वेट करो मैं बात कर लूंगा पूछ लूंगा आएगा कि नहीं आएगा चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कर्नाटका बट सिटी ऑफ सिल्क आपका कौन सा है रेशम का शहर कैसे बोलते पूछम पल्ली हो। ठीक है नेक्स्ट किंग निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलती है ओके ओरिजिनेट ओ सॉरी भारत के बाहर से भारत के बाहर से निकलती है या फिर आप इसे ट्रांस हिमालय नदी हिमालय के पार से बोलते हो ठीक है ट्रांस हिमालय नदी कौन सी है ठीक है तो ब्रह्मपुत्र बीस रवि या फिर झेलम तो कौन सी नदी आपकी ट्रांस हिमालयन नदी है तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी तिब्बत से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र ये आपकी एक ट्रांस हिमालयन नदी है और आज का आखिरी क्वेश्चन क्योंकि बाहर खड़े हुए हैं सर आर्कटिक क्षेत्र से भारत की यात्रा करने वाला सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है पेंटेल डक लिटिल ऑस्प्रे राजहंस या फिर लिटिल सर पोचमपल्ली तो तेलंगाना में हाँ तेलंगाना में है पोचमपल्ली को सिटी ऑफ सिल्क बोलते ठीक है, है? कर्नाटक को स्टेट ऑफ सिल्क बोलते तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड डी लिटिल स्टिल चलो तो ये थी आपकी आज की क्लास बाकी मिलते कल की क्लास में सुबह आपका आ, कितने बजे ग्यारह बजे और आज शाम छह बजे से ठीक है आपका डबल डोज ऑफर चालू हो रहा है जो कि कल रात बारह बजे तक रहेगा तो इसमें अगर आप किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं साइट पे जाके वाई सेवन नाइन फोर इज़ द कोड ठीक है और किसी भी बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं तो मिलते हैं आपका बाकी सी एस आई आर की रिगार्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन दे दी है ठीक है क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहती है कल वीडियो करूंगा मैं उसमें आपका दैट इज़ द सिलेबस ऑफ लाइफ साइंसेज सी एस आई आर तो अगर आप में से कोई इच्छुक हो तो वो आके जुड़ सकता है